नालागढ़ के रामपुर पोस्टवाला गांव के रहने वाले 17 वर्षीय जतिन नामक युवक के अपहरण व हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को एसपी बद्दी से मिला। पीड़ितों ने एसपी बद्दी से मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है। पीड़ित परिजनों ने एसपी बद्दी से गुहार लगाई है कि इस मामले में कोई एक व्यक्ति उनके बेटे का अपहरण नहीं कर सकता, उनके बेटे के अपहरण करने में कई लोगों का इस मामले में हाथ हो सकता है। उन्होंने आधा दर्जन के करीब अज्ञात लोगों पर शक जाहिर किया है। गांव वाले पिंड वाले सब एसपी साहब को मिलने के आए थे कि हमें इस केस के बारे में पूरी डिटेल अभी तक क्लियर नहीं मिल रही, इस करके हमें एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। एसपी साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया कि हम पूरी इस चीज को छानबीन कर रहे हैं और आपको विश्वास देंगे कि पूरा हमने काम किया है। तो सर, जो जतिन आपका बेटा था जो उसकी डेथ हुई है किन्हीं कारण में, आज आप एसपी साहब से मिले, क्या कारण रहा मिलने का और क्या एसपी साहब ने क्या बोला आपको? अभी साहब बात ये है, अभी उसको तकरीबन 15 दिन हो गया ऐसे केस हुए, अभी उसका कोई इधर उधर का कोई हम लोग को कुछ नहीं मिला इसका, कैसे है कैसे नहीं क्या है। तो इसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए थे, पूछ कर आए कैसे है साहब, कैसे चले गए, कैसे है। हमारा किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, जो इस केस में इन्वॉल्व है उसी के ऊपर सब केस चलना चाहिए और जो भी है उसको ठीक सजा मिलनी चाहिए। एसपी बद्दी मोहित चावला ने मृतक के परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और कहा है जो भी मृतक के परिजनों को डाउट है उन्हें क्लियर किया जाएगा और मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये एफआईआर नंबर 115/23 है नालागढ़ पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये जतिन जो बच्चा है इसकी ऑलमोस्ट 5-6 डेज के बाद डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट रोपड़ नहर से मिली। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एंड अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। मैं फैमिली से आज मिला हूँ, उनके साथ उनके परिजन भी आए थे। अगर इनको किसी पे डाउट है तो पुलिस, मैंने डीएसपी साहब और जो आईयूएन को बुलाया हुआ था, मैंने डायरेक्शन दे दी है थाना लेवल पे। इस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन सही चली हुई है, साइंटिफिक एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। ज़्यादा डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि पोस्टमार्टम आईजीएमसी में हुआ, FSL की टीम आई इत्यादि, बट अगर इनको किसी पे डाउट है तो मैंने इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है, लिखित में भी मेरे ऑफिस से डायरेक्शन चली गई है कि आप इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करें ताकि बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हम न्याय दें। इसमें इनिशियल FIR भी किडनैपिंग में ही रजिस्टर हुई थी, गाड़ी नहर में गई थी, उसमें मौके के चश्मदीद गवाह भी हैं, उसमें एक ही लड़का साथ में था और ये खुद ट्रैवल करके आ रहा है। अब इसमें क्या रीज़न रहा, उसके पीछे किसने कोई अगर सपोर्ट मैकेनिज्म है या क्या रीजनिंग रही, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत ढंग से चली हुई है। एक स्पेशल टीम, इसमें डीएसपी साहब और एसएचओ साहब खुद कार्रवाई कर रहे हैं। पहला पर्पस ये था कि एक्यूज को पकड़ा जाए, दूसरा टारगेट ये था कि बच्चे की डेड बॉडी मिले। गोताखोरों की टीम लगाई गई, डाइवर्स की टीम लगाई गई, 5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, आईजीएमसी में पोस्टमार्टम हुआ है। जहाँ तक लोकल पुलिस की बात है, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उसको प्रॉपरली और डिलीजेंटली रिकॉर्ड किया जा रहा है। हो सकता है इनको डाउट है तो उसके बारे में भी मैंने आज इनको डायरेक्शन इशू किए हैं कि उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए और डाउट्स को क्लियर किया जाए। पति से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।